डोमिनिकन मीडिया मिशन के दैनिक कहानी में आपका स्वागत है। सबको जय श्री। मेरे मित्रों, जिंदगी में रोने के लिए आपको एक कंधे की जरूरत होती ही है। जिंदगी में दुख दर्द को बांटने के लिए आपको किसी न किसी के कंधे की जरूरत होती ही है। हो सकता है यह कंधा खुद आपके पति का हो, आपकी पत्नी का हो, या भाई या बहन का हो, या किसी मित्र का हो, किसी का भी हो, लेकिन आपको एक कंधे की जरूरत होती ही है। यदि कंधा नहीं है तो हजार मित्र होने के बाद भी आप खुद को अकेला पाओगे। मैं ये अपने अनुभव से कहता हूँ। मेरे पास में 3 मजबूत कंधे हैं, मेरे दोस्त जो मेरे बेहद नजदीक हैं। आज मैं यहाँ पर भला चंगा बैठा हूँ उन्हीं के बलबूते पर, उन्हीं के सपोर्ट से। जब भी दुख होता है तो मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। मैं आज कंधे की और मित्रों की बात क्यों कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, क्योंकि आज के सुसमाचार में भी हमें यही बात बताई गई है यूदस के बारे में। यूदस अकेला था, अकेला नहीं था, उसके 11 मित्र थे, 11 शिष्यगण मित्र थे, लेकिन इन 11 के साथ रहने के बाद भी वो अकेला था। और ये अकेलापन इतना खतरनाक था कि उसने खुद को अपने आप में बंद कर दिया। और यही कारण है कि कोई नहीं जानता था कि उसके अंदर क्या हो रहा है, उसकी क्या योजनाएं हैं, वो क्या निर्णय ले रहा है, किसी को नहीं पता था, मात्र प्रभु यीशु जानते थे। मेरे मित्रों, यह सबसे खतरनाक चीज हो सकती है। अगर हजारों दोस्तों के बीच में आप अकेले हैं, बिना किसी कंधे के, बिना किसी नजदीकी दोस्त के, मित्र के, तो आपके साथ भी यह डरावनी घटना हो सकती है जो यूदस के साथ हुई। मान लीजिए यदि यूदस के पास कोई घनिष्ठ मित्र होता, उदाहरण के लिए पेत्रुस, यदि पेत्रुस होता और यदि पेत्रुस के साथ उसने यह बात शेयर कर दी होती कि मैं प्रभु को पकड़वाने वाला हूँ, तो पता है क्या होता? आज उसका जीवन बिल्कुल परिवर्तित होता। आज सारे संसार के लोग उसे संत के रूप में मानते, उससे उसकी मध्यस्थ प्रार्थना खोजते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसने सब कुछ अपने ही भीतर दफन कर दिया था। उसकी योजनाएं उसके दिल में दफन थी, उसकी विचारधाराएं उसके भीतर दफन थी, उसके निर्णय उसके भीतर दफन थे। याद रखें, प्रभु को ठुकराने के पहले भी वो अकेला था, प्रभु को ठुकराने के बाद भी वो अकेला था। मान लीजिए प्रभु को पकड़वाने के बाद यदि उसके पास में कोई मित्र होता, कोई घनिष्ठ मित्र होता, यदि उसे एक कंधा मिल जाता जिस पर वो टेक कर अपने पश्चतापी आंसू बहाता, तो उसका जीवन बिल्कुल अलग होता। आज लोग उसे संत के रूप में उसकी मध्यस्थ प्रार्थना खोजते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धोखा देने के बाद भी वो अकेला रहा और रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा, और उसके जीवन का एक दुखद अंत हुआ। मेरे मित्रों, अपने जीवन में कम से कम एक ऐसा मित्र रखिए जो आपके दुख को समझे, क्योंकि कभी ना कभी हमारे जीवन में ऐसे कमजोर घड़ी आते हैं, जब हम न तो खुद को समझ पाते हैं और न ही दूसरों को समझ पाते हैं, न तो खुद के लिए निर्णय ले सकते हैं और न ही दूसरों के लिए निर्णय ले सकते हैं। ऐसी कमजोर घड़ी में हमें इन कंधों की जरूरत होती है, और ये कंधे हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने जीवन में यूदस न बने। यूदस प्रभु को धोखा देने के साथ साथ खुद को धोखा देने लगा, और इसीलिए मैं कहता हूँ अपने जीवन में यूदस न बने। सबों को जय श्री।